हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर एनुअल मोड वालों के लिए आज एक अच्छी खबर है कि उनका जो सेकेंड ईयर का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। आप ड्यू सॉल के वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो। उसके लिए सबसे पहले हम लोग सॉल के वेबसाइट पे चले जाते हैं, फिर यहाँ पे कंटिन्यू टू वेबसाइट कर लेंगे। उसके बाद आपको जो स्टूडेंट टैब है उसके अंदर आपको देखना है, यहाँ पर देखना है आपको मार्कशीट रिजल्ट CBCS UG। तो आपका CBCS नहीं है तो आप नीचे वाले जो है मार्कशीट रिजल्ट उस पर क्लिक करना। आप यहाँ पे आपका मार्कशीट रिजल्ट वाला टैब खुल के आ गया। आपको 16 रोल नंबर डाल देना है, उसके बाद आपको ईयर ऑफ एग्जाम जो कि 2020 होगा और आपका पार्ट सेकेंड हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना कोर्स को, बीए प्रोग्राम मेरे केस में तो मैं बीए प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम रोल नंबर डालना है। अगर आपको एग्जाम रोल नंबर नहीं पता है तो सबसे पहले अपने डैशबोर्ड में स्टूडेंट लॉगिन कर लेना। तो हम लोग स्टूडेंट लॉगिन कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट लॉगिन में आप अपना रोल नंबर, 16 रोल नंबर और बार कोड डाल के लॉगिन कर लेना। उसके बाद सिंपली आपको माय अकाउंट में जाकर यहाँ पे जो एग्जाम रोल नंबर है उस पर क्लिक करना। यहाँ पर आपका एग्जाम रोल नंबर जो कि 2019 वाला है उसको यहाँ पे कॉपी कर लेना यहाँ से, और यहाँ पे आपको एग्जाम रोल नंबर में पेस्ट कर देना है और आपको 100 पे क्लिक कर लेना है। आपको सिंपली यहाँ पे मार्कशीट आ जाएगा। यहाँ पे आपका एग्जाम रोल नंबर होगा, आपका कोर्स होगा, स्टूडेंट नेम होगा, आपका जो आपका 100 रोल नंबर वहाँ होगा। आप यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे अपने मार्क्स देख लेना और इसको आपको प्रिंट आउट निकालना है तो निकाल लेना, लेकिन ऐसा कोई रिक्वायर्ड नहीं होता है। कुछ समय के बाद आपके आप अपने डैशबोर्ड में जाके भी रिजल्ट चेक कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे रिजल्ट पे जाना है, उसके बाद क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपका रिजल्ट सो हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। थैंक यू।